रोहतक से एक बड़ी घटना सामने आई। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बच्चों की मौत हो गई। उसी परिवार के कुछ और लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। कुल 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। रोहतक जिले के गांव बालंद का यह मामला है। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग की भी बात सामने आई थी, लेकिन वो सिरे से परिवार के लोग नकार रहे हैं कि परिवार के जो पुरुष लोग थे उनको कुछ नहीं हुआ और बच्चे और महिला बीमार हो गई। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए फिर अपने संवाददाता रोहतक से, हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी से बात करेंगे। अब तक इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आया? कल जब ये दोनों पेशेंट आए हैं हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी इनकी कंडीशन। इनका ब्लड प्रेशर वगैरह भी काफ़ी कम था और काफ़ी ज़्यादा जो भी सिचुएशन जैसे उल्टियाँ वगैरह इनको लगी हैं उसके बाद काफ़ी क्रिटिकल फेज़ में हमारे पास पहुँची है। ये काफ़ी देर बाद आई है, लेकिन जैसे ही आई है तो इमीडिएट एक्शन हमने लिया। जैसे जो भी हमारा प्रोटोकॉल रहता है इमरजेंसी के तहत, सारी टीम को एक्टिवेट किया गया और उसके बाद तुरंत इन पेशेंट्स को हमने संभाला। उसके बाद अच्छा, अभी फीमेल्स की कंडीशन कैसी है? देखो, जो इलाज कल इनको दिया है तुरंत एक्शन लिया गया। उसके बाद जो फीमेल्स हैं, एडल्ट फीमेल्स हैं, उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार अभी आ गया है और अभी फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है पहले से। और देवेंद्र दांगी इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से सीधे। देवेंद्र, अभी तक इस मामले में क्या कुछ पता चला? बहुत सारे बातें निकल कर सामने आ रही हैं, फूड पॉइजनिंग की बात आ रही थी उसको भी नकारा जा रहा है, तो खुलासा कैसे होगा, कैसे पता चल पाएगा कि 3 बच्चों की मौत कैसे हुई और जो लोग अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए नासिर, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है और हर आदमी के जहन में यह सवाल है कि आखिर खुलासा कैसे होगा, ये जो सस्पेंस है ये दूर कैसे होगा, क्योंकि फिलहाल तक की अगर बात करें तो घटना को 24 घंटे होने को हैं, लेकिन पुलिस के पास अगर कहें तो कोई निष्कर्ष पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस निष्कर्ष पर तब पहुंचेगी जब पुलिस के हाथ FSL की रिपोर्ट लग चुकी होगी या उससे पहले PMR उनके हाथ में होगी। PMR बोले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आज 3 बच्चियों की, जो छोटी बच्ची है 1.5 साल की है, 1 7 साल की बच्ची है और 1 की जो उम्र है वो 8 साल है, इन तीनों बच्चियों की होपफुली शायद 1 या 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ में होगी और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय कर पाएगी कि किस किस्म की पॉइजन इनकी बॉडी में पाया गया है जिसकी वजह से इनकी डेथ होगी। एक तो ये अहम रोल रहेगा। दूसरा जो है वो फॉरेंसिक विश्रा जैसे जाँच के लिए भेजा गया है, लैब में भेजा गया है। रोहतक में जो एक लैब पुलिस जो ट्रेनिंग कॉलेज है PTC बोलते हैं यहाँ सुनारिया में, वहाँ पर लैब है फॉरेंसिक की, वहाँ पर भेजा गया है। इन दो ये रिपोर्ट, एक PMR रिपोर्ट और दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट, इनके आधार पर ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस के हाथ में लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है नासिर, और 174 CRPC के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है, राजेश के बयान पर पुलिस ने ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई। और पूछना चाहता हूं कि कोई साजिश भी हो सकती है? आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि पुरुषों ने भी खाना खाया था, सारी चीज हुई तो दूध पिया था, लेकिन परिवार के पुरुष सही सलामत है, सिर्फ बच्चों और महिलाओं की ही तबीयत खराब हुई है। जी ये बिल्कुल वाजिब आपने सवाल किया नासिर, और बता दूं ये सवाल गांव की गली चौराहों में भी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि एक तरफ फूड पॉइजनिंग की बात परिवार कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पुलिस भी कह रही है कि हो सकता है ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो, क्योंकि कल शाम को सभी ने 8 बजे तक खाना खा लिया था, उसके बाद सोने के लिए चले गए थे, तो ये फूड पॉइजनिंग का जो है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल जो आपने उठाया है वो यही है कि महिलाओं की तबीयत बिगड़ती है, परिवार के बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, परिवार की 3 बच्चियों की इवन डेथ हो जाती है, लेकिन परिवार के 3 पुरुष हैं, परिवार का जो मुखिया है बुजुर्ग व्यक्ति है कृष्ण कुमार, करीब 60 साल की उम्र है, उसके अलावा उसके 2 बेटे हैं राजेश और राकेश, वो तीनों सही सलामत है, तीनों को कोई किसी किस्म की कोई हेल्थ संबंधी कोई जरा सी भी दिक्कत उन्होंने नहीं बताई है। तो ये एक बड़ा सवाल है, अगर फूड पॉइजनिंग का मामला होता तो ये लाजमी सी बात है कि वो सभी सदस्यों, क्योंकि 9-10 सदस्यों का परिवार है, सिर्फ महिलाओं और बच्चों पर ही क्यों अटैक होता उसका, वो पुरुषों पर भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होना चाहिए था। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये हर आम आदमी के जहन में सवाल है कि आखिरकार फूड पॉइजनिंग का मामला था तो इन लोगों को कोई कुछ क्यों नहीं हुआ है। इसी को लेकर शंकाएं कहीं ना कहीं जन्म लेती हैं कि कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई डीप कॉन्स्पिरेसी इसमें रची गई हो, किसी को जानबूझकर कोई पॉइजन देने जैसी कोई बात तो नहीं है। बहरहाल पुलिस फिलहाल कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं, अभी 10 मिनट पहले ही हमारी इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, उनसे हमारी बात हुई डिटेल में, तमाम पहलुओं को लेकर, तमाम सवालों को लेकर हमने तफसील से उनसे बात की
उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड माना है कि हाँ कुछ तो हो सकता है, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग जैसा मामला होता तो फिर सभी सदस्यों पर इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और देखना होगा कि सारे सवालों के जवाब किस तरह से मिलते हैं और पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। 3 बच्चियों की मौत हुई एक परिवार की, और परिवार की महिलाएं बच्चे अस्पताल में, पुरुष ठीक है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हुआ क्या, खाना सबने खाया था तो फूड पॉइजनिंग का असर सब पर क्यों नहीं हुआ, और इस तरह की बातें कई सारे सवाल खड़े करते हैं, बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उन शंकाओं का निवारण कैसे होगा, पुलिस क्या करेगी इस मामले में, देखने का।